हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से बॉलीवुड चिलोकर में। और आज हम बात कर रहे हैं, इससे कुछ ही दिन पहले मैंने शायद एक वीडियो किया था लव रंजन नेक्स्ट करके, और उसमें मैंने आपको बताना था कि लव रंजन आखिरकार कौन सी मूवी कर रहे हैं जो कि अजय देवगन के लिए बहुत ही बड़ी मानी जा रही है। तो हम आपको बात कर रहे हैं लव रंजन की नेक्स्ट मूवी दशहरा के बारे में, तो जो कि 2018 में दशहरा में रिलीज हो सकती है। तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है, जैसे कि अजय देवगन की फिल्मों की लिस्ट बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और भी बड़े बड़े स्टार सामने नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में जैसा कि बॉलीवुड में एक घमासान मचा हुआ है कि 2018 आखिर किसका होगा। वैसे तो 2017 में बहुत बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हुई है, लेकिन सन 2018 में अगर देखी जाए तो एक से एक मूवीज लगी हुई है जो कि बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह धमाल मचा के रख देगा। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, जैसा कि हम बात करेंगे सलमान खान की दबंग 3, वही अगर अजय देवगन की हम बात करें तो टोटल धमाल की भी बात चल रही है और सलमान खान की एक और जैसे रेस 3 की भी बात चल रही है। वैसे अगर हम बात करें एक और हम नए एपिसोड पे, तो हम आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आएंगे जिसमें होगी एक अलग बात जो कि सन 2018 और 17 के लिए सबसे ज्यादा परफेक्टली रहने वाला है। तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है दशहरा मूवी का क्या हो सकता है रेस्पॉन्स, अजय देवगन इस मूवी में कितना मचा सकते हैं धमाल, आपको इस मूवी में तब्बू भी दिख सकती है और इसके अलावा एक एक्ट्रेस जो मेन रोल में होंगी वो भी दिख सकती है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इस दशहरा मूवी में आपके लिए मेन एक्ट्रेस कौन सी हो सकती है, ये आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए बस बॉलीवुड चलोगे में एक लाइक और एक सब्सक्राइब जब जाए तो दोस्तों मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए बॉलीवुड चलोगे में सब्सक्राइब करो। बाय।